हिसाब से तो पहली बात आपको पैनिक नहीं होना है कोरोना से, बिल्कुल नहीं डरना है कोरोना से। तो बाकी आप मेरे से पूछेंगे तो ये सबसे बड़ा जो खेल है इसके अंदर वो है इम्यूनिटी का। अगर आपकी पाचन शक्ति अच्छी है ना तो आपको कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको क्या करना है कि अपनी पाचन शक्ति को कंट्रोल करना है, कम से कम पट्टी जाइए, कम से कम खाना खाइए, और हो सके तो सिर्फ दिन में एक ही बार जाइए, तो आप कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन कोरोना वायरस का इलाज है। मैं बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले तो जो व्हाइट कलर का मास्क है ना, व्हाइट कलर का मास्क इसको फेंक डालो। व्हाइट कलर का मास्क से कभी कुछ नहीं होगा। अगर लगाना है तो ग्रीन मास्क लगाओ। ग्रीन मास्क डॉक्टर लोग लगाते हैं ना, डॉक्टर लोग को कुछ होता है क्या? डॉक्टर लोग कभी नहीं बताते, ग्रीन मास्क से कभी कोरोना नहीं होता। Seriously? और इसका देसी इलाज भी है, मैं बताता हूँ क्या करना है। दो काली मिर्च की गोटी लो, ऐसे नाक में डालो और मार्केट में निकल जाओ, कभी कोरोना नहीं होगा। 2 महीने हो गए मैं बाहर घूम रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ क्या? मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि हर एक आधे घंटे में च्यवनप्राश का एक चम्मच, च्यवनप्राश का एक चम्मच खा लेना, कोरोना बोला सब का। यार आप लोग ना एक चीज और ट्राई कर सकते हो, तुलसी ले लो और थोड़ी हनी। तुलसी और हनी बहुत ही बढ़िया चीज है, दोनों का पेस्ट बनाइए और जहां जहां से वायरस जा सकता है वहां लगाइए। फॉर एग्जाम्पल अपने कानों में लगाइए, अपनी नाकों में लगाइए, अपने मुंह में लगाइए, अपनी आंखों में लगाइए, और आपको जहां लगता है वहां लगाइए। मेरे ख्याल से हम सबको गांव भाग जानी चाहिए, वहां पे कोरोना नहीं हो सकता। Seriously? भाई साहब सारा खेल ही इम्यूनिटी का है इसमें। जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उतने चांसेस बचने के ज्यादा हैं आपके। पर मेरे हिसाब से तो 2 दिन में जाओ एक बार पोटी, जितना पचाओ उतना बढ़िया। कोरोना वायरस से बचने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, देसी दारू पिया, लहसुन खाओ, प्याज खाओ, मूली के पराठे खाओ और निकल जाओ मार्केट में। 3 फीट क्या, 12 फीट तक लोग पास में जाएंगे, कोरोना होगा नहीं। मारा ही सब थी लागे छे के होर है उठ्या बाद रात सुया पहला 1990 हमें अटलो अटलो मार दो मतलब पता नहीं लगा दारू मजा नहीं लाइक पन खरी અને કોરોના બોરોના બધું ગયા, હું ટેન્શન લેવાનું નહીં, આખું આખું માર જાઉં, એ પણ એક જ ઓલ્ડ મોમ। उम्मीद है आप सब घर में सेफ एंड सिक्योर होंगे, इसीलिए मैं आपके लिए लाई हूँ कोरोना से बचने के लिए होम रेमेडी, जिसके लिए हमें चाहिए ग्लास पानी, नींबू, बेकिंग सोडा और हमें चाहिए शैम्पू। ये मेरा पसंद का शैम्पू है, आप अपने पसंद का। आप इसको सुबह शाम दोनों टाइम प्लीज। और अगर आप इनमें से कोई भी तरीका नहीं अपनाना चाहते तो आपके लिए एक बहुत इजी मेथड है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने हाथों को रगड़िए, रगड़ते रहिए और रगड़िए, सुबह शाम रात दिन रगड़ते रहिए, और अपने हाथों को कभी भी अपने मुंह से ना टच करें, ना ही कानों से टच करें। कोरोना गो।